सो हेलो एवरीवन, जोहार। स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। तो आज से आप लोगों की प्रारंभ होने वाली है सुपर 30 सीरीज। इस सीरीज के तहत अभी आप लोगों को झारखंड उत्पाद सिपाही में आने वाले 3 सब्जेक्ट के मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे और ये सारे प्रश्न जेसीसी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और यदि आप प्रीवियस ईयर को देखते हैं तो आप लोग वहाँ पे पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि वह प्रीवियस ईयर प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। और इस सीरीज के तहत आप लोगों का पहला सब्जेक्ट बात करते हैं विज्ञान का, जो जनरल साइंस है उसका मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा सब्जेक्ट बात करते हैं पेपर टू लैंग्वेज पेपर खोटा का भी मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट अकॉर्डिंग झारखंड उत्पाद सिपाही। मेनली फोकस हम लोगों को उत्पाद सिपाही को करना है और साथ ही साथ इसी के रिगार्डिंग जो सिलेबस मैच है झारखंड पुलिस का और LDC का, इन 3 एग्ज़ाम को मेनली मैं फोकस करके ये प्रैक्टिस शीट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और तीसरा सब्जेक्ट बात करते हैं वो रहेगा आप लोगों का झारखंड GK। अभी आप लोगों को इन 3 सब्जेक्ट के मिसलेनियस प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड किए जाएंगे और जैसे यदि इसके नोटिफिकेशन या फिर इसके फॉर्म जैसे जैसे नज़दीक हम लोग जाते जाएंगे इसके फॉर्म की, जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी होता है देन आफ्टर आप लोगों को और 2 सब्जेक्ट के मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने प्रारंभ कर दूंगा, जैसे कि ऑल इंडिया GK समान ज्ञान और दूसरा सब्जेक्ट रह जाता है आप लोगों का मैथ। तो इनके भी प्रैक्टिस सेट आने वाले दिनों में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो अभी सीरीज के तहत 3 सब्जेक्ट के आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे ये अल्टरनेट डेज पर यानी कि एक दिन छोड़ करके आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। सो जो भी कैंडिडेट यदि पूरी सीरियसली हैं, JCC एग्ज़ाम को अभी पूरी सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और मेनली बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के जो कैंडिडेट हैं, तो वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो कैंडिडेट सीरियस नहीं है तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग सीरियस हो जाइए। ये 2023-24 आप लोगों का गोल्डन ईयर ही नहीं बल्कि ये आप लोगों का डायमंड ईयर साबित होने वाला है। और जो कैंडिडेट इस 2023-24 में चूक गया तो आप समझिए कि आप लोगों को फिर से आने वाले 3 से 4 वर्षों तक इसी प्रकार इंतज़ार करना होगा। और उन 3-4 वर्षों में क्या होगा कि नहीं होगा वो किसी को मालूम नहीं, तो इसीलिए आप लोग अभी संभल जाइए। 2023-24 ईयर आप लोगों का डायमंड ईयर साबित होने वाला है। जितने भी तमाम वैकेंसियां बात करते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर के मुताबिक दी गई है, ये वैकेंसियों का नियुक्ति वर्ष इसी वर्ष होगा 2023-24 में, वो तो आने वाले समय में आप लोग देख ही पाइएगा। ये पहली क्लास है जिसमें कि मैं आप लोगों को कुछ चर्चा कर दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ी ये वीडियो लंबी होगी। और इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको एक सीरियसली बात बताता हूँ कि अभी जो भी कैंडिडेट इस JCC एग्ज़ाम जो पहले दे चुके हैं, JCC का एग्ज़ाम में पहले बैठ चुके हैं, जो JCC के नियम कानून को जिनको मालूम है, वो अभी बहुत ही शांत तरीके से अपने तैयारी में लगे हुए हैं। और उनका यही सोच है कि अभी जो डिले हो रहा है, अभी वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो उन कैंडिडेट के लिए ये अच्छा हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि थोड़ा 1-2 महीने और डिले फॉर्म आए ताकि उनकी तैयारी और ज़बरदस्त हो जाए। और जो अभी यूट्यूब में जो सर्च करते रहते हैं झारखंड पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी कब आएगी, तो ये आजकल के नए नए कैंडिडेट ये सभी सब्सक्राइब कर रहे हैं। वो तैयारी में तो लगे नहीं हुए हैं बट उनको वैकेंसी आने की जल्दी है। वैकेंसी कब आके चली जाएगी ये आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो रिपीटर्स हैं और जो अपने एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हैं, जिन्हें JCC का टर्न मालूम है, वो शांत तरीके से एकांत तरीके से अपने वीकनेस पॉइंट पर ध्यान दे रहे हैं। जो उनका वीक सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को वो लोग लगातार अच्छी करने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि 1-2 मंथ और डिले आए ताकि हम लोग की तैयारी पूरी संपूर्ण तरीके से हो जाए। ये आजकल के नए युवक कैंडिडेट इस जल्दबाजी में हैं, उनको सोशल मीडिया इस प्रकार से जब्त कर लिया है कि उनको बस इतनी जल्दबाजी हो चुकी है कि आज वैकेंसी आए और 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाए। यदि हम लोग बात करते हैं उत्पाद सिपाही की फॉर्म की, तो फॉर्म 3 से 4 लाख फॉर्म भरे जाएंगे और उसमें से एग्ज़ाम आप भी देखिएगा, एग्ज़ाम पास करने वाले कैंडिडेट रहेंगे 4 से 5 ही हज़ार। तो ये 4 से 5 हज़ार जो सीरियस कैंडिडेट हैं,
ये अभी लगातार अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ये तो आप सभी एग्जामिनेशन में भी देखते होंगे, तो इस चीज़ को आप लोगों को समझने वाली बात है। अभी आप लोगों को जो समय दिया जा रहा है, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और अपने पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को अपने पढ़ाई में यूटिलाइज़ कीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो मेरे तरफ से एक मेंटर्स के तौर पर आप लोगों को गाइडेंस देना है, वो तो मैं प्रॉपर तरीके से बीच बीच में आप लोगों को इसी प्रकार गाइडेंस करता रहूँगा। तो चलिए फाइनली आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और साथ ही ये प्रैक्टिस सेट में आप लोग को कंप्लीट एनालिसिस इसमें करवाई जाएगी। ये तो आप लोग आने वाले अभी 2 से 4 मिनटों में देखिएगा किस प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। यकीन मानिए, इस प्रकार यदि आने वाले इस सीरीज के तहत रेगुलर बेस पर इन वीडियो लेक्चर को अटेंड करते हैं, तो इससे बाहर आप लोगों का एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। 100 out of 100% प्रश्न आप लोग सही टेकल करके आएंगे एग्जामिनेशन में, ये आप लोगों का दावा है। ये तो खैर कहने वाली बात है, वो तो आने वाले समय में आप लोगों को पता ही चल जाएगा, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। तो चलिए फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लेजर का पूर्ण प्रारूप है। लेजर का पूर्ण प्रारूप है, इस प्रकार फुल फॉर्म से रिलेटेड झारखंड जीके में भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साइंस में भी एक दो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेजर का पूर्ण रूप यदि हम लोग बात करते हैं, तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, लॉग एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, या फिर लोकली एम्प्लीफाइड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, या फिर लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडियो। तो लेजर का पूर्ण रूप क्या चीज हो जाता है? लेजर। लेजर से जनरली हम लोगों को दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, लेजर जो हम लोग जो रेड कलर का लेजर होता है, वही लेजर की बात कही गई है। तो उसमें क्या चीज़ होता है? लाइट। लाइट के साथ साथ उसमें किस चीज़ का वो क्या होता है जी? रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, रेडिएशन। तो किस ऑप्शन में आप लोगों को लाइट भी देखने को मिल रहा है और रेडिएशन भी देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर बी लेजर का पूर्ण रूप हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। यहाँ पे यदि ऑप्शन की बात करते हैं, क्लोरीन तो यह तो गैस है, ब्रोमीन ये तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, फ्लोरीन यह भी गैस है, बट आयोडीन का बात करते हैं यदि हम लोग, आयोडीन इस चीज़ का, आयोडीन का, तो आयोडीन किस फॉर्म में रहता है? आयोडीन हम लोगों का ठोस अवस्था में रहता है। और आयोडीन की विशेषता बात करते हैं, तो ये अपवाद के एक्सेप्शन के तौर पर इसको लिया जाता है, आयोडीन को। अधातु जनरली प्रायः हम लोग बात करते हैं, तो अधातु प्रायः चमकीले नहीं होते हैं, और अधातु प्रायः द्रव अवस्था में होते हैं, यानी कि वो कठोर नहीं होते, बट इन दोनों का एक्सेप्शन है आप लोग का आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है जो कि चमकीला भी होता है और ठोस अवस्था में भी होता है। प्रायः अधातुएं, सभी अधातुएं द्रव अवस्था में होती है, बट अपवाद में एक है आयोडीन जो कि ठोस अवस्था में होता है और अधातुएं चमकीली नहीं होती है, इसका भी अपवाद में आयोडीन आता है। आयोडीन अधातु है जो कि चमकीला होता है। अदर ऑप्शन का बात करते हैं यदि हम लोग, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन यह भी समझिए हम लोग बात करते हैं एकमात्र अधातु है, ब्रोमीन जो कि एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये आप लोग का ब्रोमीन हो गया। उसी प्रकार एक पूछा जाता है, ठोस अवस्था में जो रहता है यानी कि धातु, कौन सा ऐसा धातु है जो कि सामान्य ताप पर या फिर कमरे पर वो द्रव अवस्था में रहता है, तो वह कौन सा धातु है? तो धातु यदि आप लोगों को प्रश्न में पूछा जाए, तो उसमें आ जाता है पारा, मरकरी। और अधातु में बोलेगा कौन सा धातु है जो कि वह समान कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वह है ब्रोमीन। बात करते हैं यदि हम लोग क्लोरीन की, तो क्लोरीन से जुड़ा हुआ आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन प्रश्न एक पूछा जाता है कि क्लोरीन जो फूलों का रंग रंगहीन कर देता है, जैसे कि किसी भी फूल में जो हम लोग किसी भी कलर का आप लोग फूल ले लीजिए, चाहे गुलाब फूल ले लीजिए, गुलाइची फूल ले लीजिए, जो उड़हुल फूल जनरली हम लोग पूजा में शामिल करते हैं उस फूल को, या किसी भी फूल को आप लोग ले लीजिए, उस फूल में यदि आप लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो उस कलर जो गुलाब का रेड कलर होता है उसको रंगहीन बना देता है,
उसको उदासीन कर देता है। तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, फूलों क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, फूलों का रंग में क्या परिवर्तन होता है, उसको रंगहीन कर देता है, उदासीन कर देता है। और एक प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन गैस का ही होता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन गैस की होती है। और सबसे विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व है वह है फ्लोरीन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, विद्युत ऋणात्मकता जो सबसे सर्वाधिक होता है वह फ्लोरीन गैस का होता है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता आप लोगों का सर्वाधिक किसका होता है? क्लोरीन का। और क्लोरीन से तो आप लोगों ने जान ही लिया कि फूलों का रंग को रंगहीन कर देता है। और क्लोरीन गैस जो कि पानी को स्वच्छ करने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पानी को स्वच्छ करने के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। और आयोडीन का यदि हम लोग बात करते हैं, ये तो अधातु है लेकिन ये चमकीली भी है और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। और आयोडीन एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, जो समुद्री खरपतवार होते हैं, जो समुद्री घास होता है, तो समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त किया जाता है और समुद्री जल से सोडियम प्राप्त किया जाता है। ये समुद्री घास वाला भी, समुद्री खरपतवार वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, समुद्री घास से कौन सा जो धातु है वह प्राप्त किया जाता है, तत्व प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री खरपतवार से आयोडीन और समुद्री जल से सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? ऑप्शन है, मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाना, गुप्त लिखावट से। तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति मीटर में है। तो जनरली ये प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न है जो कि आप लोगों को पता ही होगा, प्रकाश की गति। और बार बार जेसीसी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कपासी वर्षा स्तरी, पंजाब स्तरी, कपासी वर्षा। तो ये कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आप लोगों को कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, ये डायरेक्टली एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। तो ये कौन सा वर्षा है? ये है आप लोग का कपासी वर्षा, और ये भी बहुत ही फेमस प्रश्न है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है भारत और यूएसए के द्वारा, भारत और रूस द्वारा, भारत और यूके द्वारा, भारत और जर्मनी द्वारा। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बात करते हैं, ये भारत और रूस के सहयोग से इस ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम है? ऑप्शन है, INS विराट, शाल्की, सुखोई, लक्ष्य। तो रही बात DRDO JCC, इन दो संस्थानों से बात करते हैं हम लोग, एक है आप लोग का DRDO और एक हो जाता है आप लोग का इसरो। DRDO और इसरो इन दोनों से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को आप लोगों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके एस्टैब्लिश कब किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इन सभी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेनली DRDO और दूसरा है इसरो। DRDO का बात करते हैं, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1958 ईस्वी में। और इसरो का बात करते हैं 15 अगस्त 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में इसरो को और DRDO को 1958 ईस्वी में। तो इसमें किसका है जो कि वह मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम है DRDO के द्वारा जो कि निर्माण किया गया, वो है लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज की, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो इसे मैं याद करने का एक ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो आप लोगों को हिंदी में याद कर लेना है जो कि आविष्कारक है इसको, जेगो चा। इस फॉर्म में आप लोग को इस सीक्वेंस में लिख लेना है, जेगो चा, क्या चीज़, जेगो चा। और इधर सीक्वेंस अल्फाबेटिकल आप लोग को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो सीक्वेंस में ही याद ही कर लेना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या चीज़, एक दो बार आप लोग रिपीट कीजिएगा, ये याद हो जाइएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जेगो चा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जेजे थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन की खोज गोडस्टीन के द्वारा, कई बार प्रोटॉन यहाँ पे, यदि आप लोग को गोल्ड अस्टीन देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पे रदरफोर्ड आप लोगों का हो जाएगा।
और चा से आप लोगों का चैडविक, जेगो चा, इधर सीक्वेंस में याद कीजिएगा जेगो चा, और इधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जेगो चा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गुड अस्टिन, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। तो प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, चैडविक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, पास्कल का नियम, बर्नौली का सिद्धांत। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, या फिर जो आप लोग गाड़ी देखते होंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है, और जो ट्रैक्टर जब किसी भी जैसे बालू लदा हो, गिट्टी लदा हुआ, तो उसको पलटी करता है, तो उसमें जो एक पाइप की जरा उठता है वो भी हाइड्रोलिक के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो ये सारे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये आप लोगों को पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। अदर ऑप्शन की यदि हम लोग बात करते हैं तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो भी वस्तु तैरती हुई है या फिर डूबती है तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसका सिद्धांत का क्या कहना है, जैसे कि कोई भी वस्तु जब आंशिक या पूर्ण रूप से जब पानी में डूबती है, या फिर एज्यूम कीजिए अपने आप ही को कि आप जब तैरने जाते हैं तो आप वहाँ पे वजन को हल्का महसूस करते हैं, ये हल्का महसूस ये आर्किमिडीज का सिद्धांत का ही कहना है कि जैसे कि आप पानी में डूबे तो आपके द्वारा कुछ एरिया आप लोगों के द्वारा अक्वायर किया जाता है, और उस एरिया में जो पानी रहता है उस पानी को विक्षेपित किया जाता है। तो आपके द्वारा जितना पानी विक्षेपित किया जाता है, मान लिया जाए आपके द्वारा 5 kg यानी कि 2 kg पानी को विक्षेपित किया जाता है, तो आपके वजन में दो, आपका वजन मान लीजिए आपका वजन 45 kg है, ठीक है, आपका वजन 45 kg है, और आपने जैसे कुछ तो जगह आप लोग स्पेस तो वहाँ पे घेरेंगे ही, जब पानी में डूबिएगा तो उस पानी को सतह को आप छेक लीजिएगा, तो उस पानी में आप जितने एक्वायर कुछ एक्वायर किए हैं, जैसे कि 2 kg पानी का आप लोगों ने स्पेस एक्वायर किया, तो आपके वजन में 2 kg की कमी हो जाएगी पानी में, यानी कि 43 kg। ये आप अनुभव कर सकते जब आप लोग बाल्टी से पानी खींचते होंगे, तो जब तक बाल्टी पानी में रहती है तब तक आप लोग को हल्का महसूस होता है, और जब बाल्टी पानी से निकल जाता है तो वही आप लोग को भारी महसूस होने लगता है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर होता है, और इसी प्रकार बेसिक प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाएगा जब आप किसी बाल्टी से पानी निकालते हैं कुएँ से, तो जब तक वह पानी के सतह में रहता है तब तक वह हल्का महसूस होता है, जैसे ही वह पानी से अलग हो जाता है, ऊपर आ जाता है, तो वह भारी महसूस होने लगता है। ये किस सिद्धांत का कहना है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत। और न्यूटन का ये तो जनरली इनके 3 नियम है, पहला नियम से बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक, बल का फॉर्मूला F=ma मिलता है, और न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति, बल का जो क्या प्रभाव होता है उसका प्रभाव पता चलता है तीसरे नियम से। और बर्नौली का सिद्धांत बात करते हैं, तो ये आप लोगों का संरक्षण, यानी कि ये आप लोगों को ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सा, बर्नौली का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला होता है D2O, और इसका अलग अलग नाम कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले भारी जल का यदि हम लोग खोज की बात करते हैं, तो इसका खोज यूरे के द्वारा किया गया है, खोज से भी रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, भारी जल का खोज किसके द्वारा किया गया, यूरे के द्वारा, और इस भारी जल को डिट्यूरियम ऑक्साइड, हिंदी में आप लोगों को लिखा रहेगा डिट्यूरियम ऑक्साइड, D2O को ही डिट्यूरियम ऑक्साइड कहा जाता है, और गुरु जल जो भारी जल होता है इसी को डिट्यूरियम ऑक्साइड, D2O और गुरु जल के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं H2O, तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2O ही होता है। वहीं बात करते हैं हम लोग दर ऑप्शन का, ये H2CO3, क्या चीज़ है H2CO3, तो ये कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक एसिड का ये सूत्र है, से जो भी कोल्ड ड्रिंक होता है, आप लोग कोल्ड ड्रिंक गर्मियों के दिनों में जो पीते होंगे उसमें कौन सा गैस होता है, उसमें कार्बोलिक अम्ल गैस होता है H2S, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों के घरों में कोई अंडा होगा, या आप लोग जो मुर्गी पालन करते हैं वो अंडा, एक आप लोग सामान्य भाषा में सुने होंगे कि उससे बच्चा नहीं निकलता, यानी कि अंडा घोर दिया जाता है, या फिर बहुत दिनों तक अपने अंडे को यदि आप लोग रूम में रखते हैं या फिर कहीं पे भी
उस अंडे का यूज़ नहीं होता है, तो बहुत दिनों बाद वह अंडा सड़ जाता है, और सड़ने के बाद उस अंडे से एक बहुत ही भयानक गंध निकलती है, दुर्गंध निकलती है। तो वो दुर्गंध ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही होता है। कई बार पूछा जाता है सड़े सड़े अंडे से कौन सी गैस होती है, सड़े अंडे की जो गैस होती है वह कौन सा गैस का गंध होता है, वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। और यही हम लोग बात करते हैं, यही गैस आप लोगों को जो चांदी के बर्तन देखे होंगे, चांदी का बर्तन को काला कर देता है, इस फॉर्म में कर देता है, यही हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो चांदी के बर्तन को काला कर देता है और पीतल के बर्तन को रंगहीन कर देता है, फीका कर देता है, फीका या रंगहीन, इसे रंगहीन या फिर आप लोग फीका कह सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड ये सड़े अंडे से इसका दुर्गंध निकलता है। सड़े अंडे का गंध कैसा होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के जैसा। चांदी के बर्तन को ये काला कर देती है और पीतल के बर्तन को फीका यानी कि रंगहीन कलर कर देती है। और वह कौन सा गैस है जो कि फूलों का रंग फीका या फिर रंगहीन कर देता है, यह भी आप लोगों को मैंने बताया हो, सो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नेक प्रश्न है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, और इस प्रकार यदि आप लोग प्रश्नों को एनालिसिस करते हुए पढ़ते तो ये आप लोग को लंबे समय तक याद रहती है, इस प्रकार एग्जाम्पल बेस्ट बताया जाते हैं, वो आप लोगों को एग्जाम में ये सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसकी क्या ताकत है ये अभी आप लोगों को पता नहीं चलेगा, जब एग्जाम में बैठिएगा और इसी प्रकार एनालिसिस करके आप लोग को जो बताया जा रहा है, इस चीज़ को यदि आप लोग लगातार वे में जब तक आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं, इस वीडियो को अटेंड करते हैं, तो आप लोग को बहुत ही अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। ये आप लोग को एग्ज़ाम में ये सारी अनुभव वहाँ पे होगी काम, ये आप लोग को अभी मालूम नहीं चलेगा। दूर दृष्टि की बात करते हैं, तो दूर दृष्टि में क्या होता है या निकट दृष्टि में क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। दूर दृष्टि जिसमें कि हम लोग दूर की वस्तु को तो देख पाते हैं, बट कठिनाई होती है नज़दीक पास की वस्तु को देखने के लिए, तो दूर दृष्टि से व्यक्ति पीड़ित को कठिनाई होती है पास की वस्तु को देखने के लिए। और इसका उपचार, दूर दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है, इसका उपचार कौन से लेंस को लगा करके किया जाता है, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि रहेगा तो उत्तल लेंस, इसे याद करने का मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ। वह कई बार विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष में उत्तल या अवतल, या फिर दूर दृष्टि दोष में अवतल या फिर उत्तल। तो इसे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, ये आप लोग का निकट दृष्टि दोष और ये आप लोग का दूर दृष्टि दोष। निकट में आप लोगों का इसका जो उपचार होता है वो अवतल लेंस से होता है उपचार, और इसका जो उपचार होता है वो उत्तल लेंस का उपचार होता है। तो निकट दृष्टि दोष, निकट आप यहाँ पे शब्द देख पा रहे होंगे, ये इतना बड़ा है, निकट जो शब्द है वह बड़ा है, इसीलिए इसमें बड़ा शब्द वाला अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष, दूर दूर छोटा शब्द है, इसीलिए इसमें छोटा शब्द वाला लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और ये आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। पहले भले ही आप लोग कन्फ्यूजन हो जाता होगा, बट आप लोगों को अब से ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। निकट और दूर दोनों में कंपेयर कीजिएगा, निकट बड़ा शब्द है, बड़ा शब्द है यानी कि बड़ा नाम वाला लेंस अवतल लेंस, दूर छोटा नाम है यानी कि छोटा नाम वाला लेंस उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को भी कई नामों से जाना जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, या फिर इसी को आवर्धक लेंस, या फिर इसी को नतोदर लेंस के नाम से जाना जाता है। कई बार नाम से ही आप लोगों को कन्फ्यूजन कर दिया जाएगा, प्रश्न तो रहेगा सिंपल लेकिन जो नाम दिया रहेगा वही आप लोग को कन्फ्यूजन कर दिया जाएगा। जो उत्तल लेंस है इसका मैं एक बार आप लोग को नाम ही लिख देता हूँ, ये आप लोग का अभिसारी लेंस भी देखने को मिल सकता है उत्तल लेंस के जगह पर, या फिर यहीं पे आप लोगों को नतोदर लेंस देखने को मिल सकता है, अभिसारी लेंस, नतोदर लेंस, या फिर यहीं पे आप लोगों को आवर्धक लेंस देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों नाम आप लोगों का उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। इस प्रकार के जो प्रश्न है आप लोग को ठीक से सिर्फ ध्यान से एग्जाम्पल पढ़ना है, गहराई में जा कर के पढ़ना है। आप लोग एग्जाम्पल को पढ़ने के साथ ही आप लोगों के दिमाग में वो आंसर आ जाएगा। ये जनरली कोई भी स्टूडेंट इन चीज़ को याद नहीं करता है, बट ऑप्शन को आप लोग को एलिमिनेट करना है।
ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना है। कई प्रश्न आप लोगों को ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके सही उत्तर मिल जाएंगे, और ये प्रश्न आप लोगों को खुद बताएगा कि मैं ये आंसर हूँ, मैं ये आंसर हूँ। बस आप लोग को हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? लिम्फोसाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, एंथोलॉजी, पेलिनोलॉजी। तो यहाँ से स्टडी से रिलेटेड, अध्ययन से रिलेटेड एक ना एक प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं कि फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, फलों के पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मैं कुछ आप लोग को यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्म में बता देता हूँ, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूलों का अध्ययन। फूलों में आप लोग को पुष्प, पुष्प को ही तो फूल कहते हैं ना, तो पुष्प हो या फिर फूल हो, फूलों या फिर पुष्पों का अध्ययन कहलाता है आप लोगों का एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन या फिर पुष्पों का, फूल को ही तो पुष्प कहते हैं, तो पुष्पों का अध्ययन हो जाता है एंथोलॉजी। और फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, यहाँ पे इसको याद रखना है। जैसे पा, पोमोलॉजी पा से स्टार्ट होता है, पा के बाद आप लोग का क्या चीज हो जाएगा? फा। सिर्फ यहाँ पे फा आना चाहिए, फा के साथ कोई भी आप लोग को यहाँ पे स्वर वर्ण जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ओनली सिर्फ आप लोग को फा आना चाहिए। जैसे फूल का बात करते तो फूल में आप लोग को यहाँ पे दुर्गे जुट गया है, और दुर्गे जुट गया तो इसको लेना नहीं है, इसीलिए पोमोलॉजी, पोमोलॉजी पा फा, पा फा, पोमोलॉजी पा फा से फलों का अध्ययन। और फूलों का यदि इसमें कुछ आ जाता है तो वो आप लोगों का फूलों यानी कि एंथोलॉजी के सीक्वेंस में, ये पोमो फलो याद रखिएगा, ये फूल वाला अपने अपने आप याद हो जाएगा। एक तो पूछा जाता है आप लोगों का फलों का अध्ययन, तो फलों का अध्ययन हो जाता है एंथोलॉजी। और एक प्रश्न पूछा जाता है फलों के पालन का अध्ययन, जो फलों का जो कृषि किया जाता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका अध्ययन कहलाता है फ्लोरिकल्चर। फलों के पालन का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, और फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन, एग्रोएस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन हो जाता है। और पेलिनोलॉजी, जैसे कि हम लोग फूल का ये भाग है परागकण, तो परागकण का अध्ययन वो हो जाता है पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, या फिर कोई प्रभाव नहीं होगा? तो इस चीज़ को आप लोगों को बहुत ही गहराई में जा कर के समझना होगा। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, जब हवा का तापमान बढ़ता है, हवा का तापमान बढ़ता है यानी कि पहले हवा का तापमान बात करते हैं 90 डिग्री सेल्सियस था, और अभी हवा का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, तापमान में वृद्धि हुई है। पहले 90 डिग्री सेल्सियस था, अब 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? जल वाष्प यानी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेंगे तो जल वाष्प, वाष्प यानी कि क्या होता है? वाष्प में कोई भी जब परिवर्तन कब होता है? जब उस चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं। मान लिया जाए जब 90 डिग्री का हवा तापमान था, उस समय जो वाष्प ग्रहण, जो जल वाष्प ग्रहण कब हो रहा था? तो उस समय जल वाष्प ग्रहण यदि हम लोग बात करते हैं, जब वातावरण तापमान था 90 डिग्री सेल्सियस, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में ही लेकर के समझिएगा, तभी आप लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने आएगा। जब वातावरण का जो तापमान था 90 डिग्री सेल्सियस, उस समय तो जलवाष्प में परिवर्तन हो जा रहा था, कितना में? जलवाष्प जनरली 100 डिग्री सेल्सियस, चलिए हम लोग मान लिया जाए। और जब तापमान और गर्म हो गया, तापमान और गर्म हो गया, तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस जाने की ज़रूरत है जलवाष्प बनने के लिए? से कोई पानी आप लोग चूल्हा में चढ़ाते हैं, ठीक है, तो वातावरण यदि ठंडा है तो आप लोग का पानी भी ठंडा रहेगा, और जब वातावरण ठंडा है, पानी ठंडा है, तो उसको वाष्प में ग्रहण होने के लिए ज़्यादा डिग्री सेल्सियस की उसकी ज़रूरत होगी। और जब वातावरण गर्म है, पानी आप लोग का पहले से ही गर्म है, थोड़ा सा पानी आप लोग को, जैसे कि यहाँ पे देखिए, पानी पहले इतना ठंडा था, अब इतना गर्म है, तो उसको वाष्प बनने के लिए फिर से 100 डिग्री सेल्सियस जाना होगा? नहीं ना, 100 डिग्री सेल्सियस कम ही पर हुआ, मान लिया जाए वो 90 डिग्री सेल्सियस पर ही वो वाष्प बन जाएगा, बन जाएगा या फिर नहीं बन जाएगा? जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं, इस चीज़ को आप लोग अनुभव कीजिए, एज्यूम कीजिए, वो पानी आप लोग को घर में रखा हुआ है कोई मिट्टी के बर्तन में, तो मिट्टी के बर्तन में जो वो ठंडा पानी है और वातावरण भी ठंडा है मान लिया जाए,
तो वातावरण ठंडा होने के कारण वो पानी भी ठंडा है, उस चीज़ को हम लोग चूल्हा में चढ़ाते हैं तो वो समझिए कि 100 डिग्री सेल्सियस में वो वाष्प बनता है। और वहीं पर हम लोग दूसरा पानी लेते हैं, वातावरण थोड़ा सा गर्म है, हीट है, और वातावरण गर्म होने के कारण वो पानी भी थोड़ा सा गर्म है, और पानी ऑलरेडी पहले से गर्म है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बनेगा या फिर उससे पहले बन जाएगा, यानी कि वो 90 डिग्री सेल्सियस पर ही वो वाष्प बन जाएगा। तो इसमें जल वाष्प ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वह तेजी हुई, घटी या फिर बढ़ी? तो बढ़ी ना, पहले यानी कि बहुत थोड़ा सा, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस में इसको जाने में 10 मिनट का समय लग रहा था, बट उससे पहले ही वो वाष्प बन जा रहा है, यानी कि वो 5 मिनट में ही बन जा रहा है। तो वाष्पीकरण की जो जल वाष्प ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ गई, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास आप लोगों का या तो झारखंड जीके का या फिर खोटा का प्रोवाइड किया जाएगा, और जस्ट उसके बाद आप लोग को फिर से पुनः एक आप लोग को साइंस का प्रैक्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।